हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिमरन फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा। नाउ वी आर कंटिन्यू चैप्टर थर्ड पार्ट सेकेंड, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशंस ऑफ सीड्स। सीड डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट अनलेस दे गेट फेवरेबल कंडीशंस। सीड्स न्यू प्लांट में तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसे उसकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती। अ सीड नीड्स वाटर, एयर एंड सुटेबल विच इज सुटेबल टेम्परेचर टू ग्रो, विच इज द फेवरेबल कंडीशन ऑफ सीड्स टू ग्रो एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। ये सभी फेवरेबल कंडीशन प्लांट को नीड होती है सीड्स को प्लांट में ग्रोथ करने के लिए। द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रो इन टू द न्यू प्लांट इज नॉन एज जर्मिनेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस ही क्या कहलाती है, जर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। सो सम ग्राम और पी सीड्स इन अ सॉइल। हमने क्या किया, ग्राम और पी के सीड्स को सॉइल में पीज को बोना, इस तरह से हमने बो दिया, ठीक है, सो कर दिया। वाटर द सीड्स डेली, हमने इनको डेली वाटर दिया। द सीड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड स्वेल अप। बीज ने क्या करा, सीड्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉइल से एंड स्वेल अप हो गया। दियर एम्ब्रियो ग्रो आउट टू फॉर्म द रूट सिस्टम। इनके अंदर जो एम्ब्रियो था वो क्या हो गया, ग्रो आउट हुआ इनटू रूट सिस्टम फर्स्ट एंड देन द शूट सिस्टम इज फॉर्म्ड। पहले रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा देन शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट टाइप इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। द फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इज प्रोवाइडेड बाय द कोटिलेडोन्स। जैसे कि हमने कहा पढ़ा, यू विल ऑल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की हमने जो कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ी वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोटिलेडोन्स क्या करता है, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। सीड्स रिमेन इन साइड द सॉइल, दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नॉन एज हाइपोजियल जर्मिनेशन। इस टाइप की जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड आप इसमें देख सकते हैं कि कम्प्लीटली सीड जो है सॉइल के अंदर ही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। देन इसमें रूट एंड शूट सिस्टम तो ऐसे सीड से बाहर जा रहा है लेकिन सीड जो है कम्प्लीटली सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइप इज एपिजियल जर्मिनेशन। नाउ सो सम कैस्टर बीन सीड इन सॉइल। हमने कैस्टर बीन सीड्स को लिए, उनको सॉइल में हमने सो किया। वॉटर द सीड डेली, हमने इस सीड्स को डेली वॉटर दिया। देन द सीड एब्जॉर्ब वॉटर फ्रॉम द सॉइल एंड स्वेल अप। वॉटर को इन्होंने एब्जॉर्ब किया देन ये स्वेल अप हो गए। द एम्ब्रियो ऑफ द सीड विल ग्रो एंड फॉर्म द न्यू प्लांट। इस सीड का एम्ब्रियो ग्रो हुआ एंड न्यू प्लांट को डेवलप किया, जैसे कि रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया इन्होंने। नॉट डेट इन दिस केयर सीड कम आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। इसमें हम क्या नोटिस करते हैं कि जो सीड है वो जर्मिनेशन की प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो इसीलिए हमने इसको बोला था एपिजियल जर्मिनेशन। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नॉन एज एपिजियल जर्मिनेशन। लेट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सीडलिंग्स। सम सीड्स लाइक ग्राम, पी, वीट, मैज, ज्वार एक्सेट्रा आर डायरेक्टली सोन इन द फील्ड्स। इन सभी सीड्स को हम डायरेक्टली फील्ड्स में सोन कर देते हैं। बट फॉर सर्टेन प्लांट्स लाइक पैडी, ब्रिंजल, टोमेटो एक्सेट्रा, सीड्स आर फर्स्ट सोन इन अ नर्सरी। इन सभी के सीड्स को हम पहले नर्सरी में क्या करते हैं, सो करते हैं, बोते हैं, देन इसके सीडलिंग्स हम ऑब्टेन करते हैं। सीडलिंग्स आर ऑब्टेन देन दीज सीडलिंग्स आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड्स। इन सीडलिंग्स को हम क्या करते हैं, इसके मेन फील्ड्स में ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ताकि इसके आगे ग्रोथ हो सके, कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। दिस इज नॉन एज ट्रांसप्लांटेशन। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ राइस इन अ पेडी फील्ड। सबसे पहले इन्होंने नर्सरी में इन सीडलिंग्स का फॉर्मेशन करवाया होगा, देन नर्सरी से इनको मेन फील्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं। लेट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, अदर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। जैसे कि हमने आगे देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, फ्लावर्स के फॉर्मेशन के थ्रू। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स देन वो रिप्रोडक्शन करते हैं बिना फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड को रिप्रोड्यूस करें। समटाइम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इंटू न्यू प्लांट्स। देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये सभी एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रोज प्लांट होता है उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
New plants of rose can be grown from the cutting taken from the stem of the parent plant. Sugarcane is also grown from stem cutting. देखिए न्यू प्लांट जो है रोज का वो कैसे ग्रोन करेगा, हमने इसके स्टेम को यहाँ से कट किया, कट करके जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमने सो कर दिया, ठीक है, स्टेम कटिंग मेथड बोलते हैं इसको, फिर एक कन्वर्ट हो गया एक न्यू रोज प्लांट में। और शुगर कैन में भी ऐसे ही ग्रो होता है, शुगर कैन इज ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज पोटेटो एंड गिंगर ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। पोटेटो और गिंगर जो है वो किससे ग्रो करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स के थ्रू, इनके स्टेम्स अंडरग्राउंड डेवलप होती जाती है, देन वो पोटेटो गिंगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लांट्स लाइक रेडिश, स्वीट पोटेटो एंड कैरेट कैन ग्रो फ्रॉम दियर रूट्स। रेडिश, स्वीट पोटेटो एंड कैरेट ये सभी किसके थ्रू ग्रो करते हैं, रूट्स के थ्रू। अब हमसे पूछेगा स्टेम्स का जो ग्रो कौन सा होता है, पोटेटो एंड गिंगर एंड रूट्स किस ग्रो करते हैं, रेडिश एंड स्वीट पोटेटो। द लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की लीफ में हैज लीफ बर्ड्स एट द नोचेस, ठीक है, ब्रायोफिलम की लीफ हम यह देख सकते हैं इनकी नोचेस पर क्या है, लीफ बर्ड्स प्रेजेंट है। दीज बर्ड्स व्हेन फॉल ऑन द सॉइल, ये जो बर्ड्स हैं वो सॉइल में गिर जाएंगे अगर किसी तरह से, तो डेवलप इंटू न्यू प्लांट, ब्रायोफिलम का न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ब्रेड मोल्ड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। सम प्लांट्स लाइक अ फंगस, ब्रेड मोल्ड्स कैन रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। जैसे कि फंगस एंड ब्रेड मोल्ड्स हैं वो किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हैव अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के पास क्या है, एक सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का। व्हेन फुली फॉर्म्ड ईच बैक्टीरिया सेल सिंपली डिवाइड इनटू टू स्मॉलर बैक्टीरियल सेल। देखिए एक फुली बैक्टीरियल सेल्स है, ये डिवाइड कहाँ हो रही है, टू सिंपलर सेल्स में, तो स्मॉल बैक्टीरियल सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक सिंगल सेल से दो बैक्टीरियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यही एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो हैव वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स में भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। जस्ट लाइक बैक्टीरियल सेल्स, अमीबा द सिंपलेस्ट एनिमल ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया की तरह ही क्या होता है, अमीबा भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। देखिए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड होने लगा है, देन इट इज कन्वर्टेड इंटू टू सिंपलेस्ट अमीबा। ओके, इट्स कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। अ फीमेल फ्रॉग लेस एग्स, यानी फीमेल गेट्स गैमेट बोलते हैं, फीमेल फ्रॉग ने क्या किया, एग ले किया इन वॉटर, वॉटर के अंदर उसने एग दिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, विच आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म्स, जिन्हें बोलते हैं मेल गैमेट्स ऑफ मेल फ्रॉग्स इन वॉटर। ठीक है, मेल फ्रॉग के थ्रू भी मेल गैमेट्स को कहाँ, वॉटर में ले किया गया है। द एग्स डेवलप टू फॉर्म द टैडपोल लार्वी। एग्स जो है वो किस में डेवलप हो रहा है, टैडपोल लार्वी में। टैडपोल लार्वी अंडरगो सर्टेन चेंजेस टू फॉर्म द अडल्ट फ्रॉग। टैडपोल लार्वी अंडरगो इसमें वाटर के अंदर ही सर्टेन चेंजेस के थ्रू एक टैडपोल लार्वी फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। द टैडपोल स्टेज इज स्पेंड एंटायरली इन द वॉटर। जो टैडपोल स्टेजेस होती है वो कम्प्लीटली वॉटर के अंदर कम्प्लीट होती है। द अडल्ट लाइव्स पार्टली इन वॉटर एंड पार्टली ऑन लैंड। जो इसकी अडल्ट लाइफ होती है फ्रॉग की, वो पार्टली इन वॉटर होती है एंड पार्टली इन लैंड, यानी कि अदर टाइम भी वॉटर में और कभी लैंड पर भी अपनी लाइफ स्पेंड करता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। दिस टाइप इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। इन मैनी इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड मॉथ एग्स आर लेड ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। देखिए कई इंसेक्ट्स में जस्ट लाइक बटरफ्लाई एंड मॉथ ये अपने एग्स को कहाँ पर ले करते हैं, लीफ की सरफेस पर। मॉस्किटोज ले एग्स इन वाटर, और जो मॉस्किटोज होते हैं वो अपने एग्स को वाटर में ले करते हैं। एग्स ऑफ बटरफ्लाई मॉथ एंड मॉस्किटो फर्स्ट हैच इनटू टिनी लार्वी।
किसके, बटरफ्लाइज के, मॉथ के एंड मॉस्किटोज के जो एग है फर्स्टली हैच होते हैं इनटू टिनी लार्वी, छोटे छोटे लार्वी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। द लार्वी ऑफ बटरफ्लाई एंड मॉथ आर कॉल्ड कैटरपिलर। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉथ यहाँ पे शोन है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई के थ्रू यहाँ पे लीव्स पर क्या दिए गए, एग हैच किए गए, ठीक है। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लार्वी, कैटरपिलर लार्वी बोला जाता है। द लार्वी अंडरगो सर्टेन चेंजेस टू फॉर्म प्यूपा। ये लार्वी एक अपने अंदर ही सडनली चेंजेस करके प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, फ्रॉम प्यूपा द अडल्ट एनिमल इज फॉर्म्ड। इस प्यूपा के थ्रू ही अडल्ट एनिमल मॉथ फॉर्म हो जाता है। प्यूपा द अडल्ट एनिमल इज फॉर्म्ड बिकॉज द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट शोज फॉर स्टेजेस। जो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है वो फोर स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एग इज कन्वर्टेड इंटू लार्वी, लार्वा इज कन्वर्टेड इंटू प्यूपा एंड प्यूपा इज कन्वर्टेड इंटू अडल्ट। इन बर्ड्स, अब देखते हैं बर्ड्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है। इन बर्ड्स द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट। इनमें रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं नेस्ट में, अपने घोंसले में। दियर बेबी बर्ड्स दैट हैच लुक एग्जैक्टली। इनके जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो इन्हीं की तरह एग्जैक्टली दिखते हैं। लाइक दियर पेरेंट्स, अनलाइक इन द फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। फ्रॉग और इंसेक्ट्स में इनके जो लार्वी फॉर्मेशन हो रहा था, बट बर्ड्स में क्या होता है, एग से जो बेबी बर्ड फॉर्म होते हैं वो इनके पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। इन मैमल्स, यंग वंस आर बोर्न डायरेक्टली। मैमल्स में क्या होता है, यंग वंस बोर्न होते हैं डायरेक्टली एंड लुक सिमिलर टू दियर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह ही वो दिखते हैं।